अध्याय दो में पौलुस सिखाता है यीशु ही काफी है। अभी दोबारा से जो बातें हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं वही बातें कुछ कुछ कई सारी बातें अध्याय दो के अंदर भी रिपीट होती है, बार बार वो दोहराता है ताकि वो उन बातों की ओर ध्यान दे, ताकि वो उन बातों को ध्यान से सीखे, उन बातों में बढ़े। बार बार उन बातों को रिपीट करता है, दोहराता है उन बातों को, और उनको ये बताना चाहता है अध्याय दो में कि याद रखिए यीशु मसीह ही हमारे लिए काफी है। वो वहां पर जो फैला हुआ ज्ञान था, फिलोसोफर्स जो थे, दर्शन शास्त्री जो थे और पुराने नियम के अनुसार चलने वाले लोग जो थे, अलग अलग तरह से उन्हें भटकाना चाहते थे कि तुम इसके साथ, मसीह के साथ, मसीह जीवन के साथ तुम्हें ये सब चीजें करने की जरूरत है, तुम ज्ञान पाओ, तुम पुराने नियम की बातों को मानो, तुम सन्यासी बन जाओ, सन्यासी वाला जीवन जियो, मोह दुनिया की मोह को त्याग दो। इन सब बातों की भरमारी वहां पर थी। पौलुस कहता है कि हमें उद्धार पाने के लिए, हमें छुटकारा पाने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए, हमें छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें अगर जरूरत है तो सिर्फ यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया, सिर्फ यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु मसीह हमारे लिए काफी है। हालेलुया, पहला पद में देखिए दो के एक में क्या लिखा है। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो तुम्हारे तथा लौदीकिया के निवासियों के लिए और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं देखा कैसा कठोर परिश्रम करता हूं। 1 के 29 में भी उसने इस बात को बोला था कि मैं कैसा कठोर परिश्रम करता हूं तो मैं, जिससे कि उनके मन परस्पर प्रेम में बंध कर प्रोत्साहित हो, तुम्हारे बीच में एकता हो, इसके लिए मैं मेहनत करता हूं। तुम परस्पर प्रेम करो, आपस में प्रेम करना तुम सीखो और एक दूसरे के साथ में मिलकर रहो और तुम प्रोत्साहित हो, इसलिए मेरी मेहनत का, ये मेरे परिश्रम का मकसद है। किस लिए प्रोत्साहित हो? परमेश्वर के उस धन को पाने के लिए, जिससे कि उनके मन परस्पर प्रेम में बनकर प्रोत्साहित हो, समझ की पूर्ण निश्चयता से उस समस्त धन को प्राप्त करें जिसका परिणाम परमेश्वर का रहस्य अर्थात मसीह को पहचानना है, उसमें बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया, इसलिए मैं मेहनत करता हूं। ज्ञान किसमें है? पौलुस कह रहा है यीशु ही बुद्धि और समस्त ज्ञान का भंडार है। हालेलुया, यीशु ही बुद्धि और समस्त ज्ञान का भंडार है। हम 3 में देखते हैं उसमें बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए दर्शन शास्त्री फिलोसोफर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पुराने नियम की बातों के ऊपर भी मन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने नियम की व्यवस्था पहले से ही मसीह ने हमारे लिए पूरी कर दी है। वो जो झूठे शिक्षक तुम्हारे बीच में काम करते हैं उनसे, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए। अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए, यीशु में, यीशु ही बुद्धि और समस्त ज्ञान का भंडार है। हालेलुया, ये बात आज हमारे लिए भी है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, अगर हमें बुद्धिमान होना है, अगर हमें प्रभु के गहरे रहस्य को जानना है तो हमें इधर उधर किसी व्यक्ति विशेष के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु के नजदीक आने की जरूरत है, हमें यीशु के करीब आने की जरूरत है, हमें यीशु के नजदीक आने की जरूरत है, और तभी हम उसके रहस्य को, उसके ज्ञान को और बुद्धि को हम प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया, हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए YouTube की जरूरत नहीं है, हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए Google की जरूरत नहीं है। प्रभु के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व दीजिए, परमेश्वर के साथ में बैठिए, परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टिकाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, जैसे ही जैसे हम उसको जानते जाएंगे, हम ज्ञान में, हम बुद्धि में बढ़ते जाएंगे। अगर ज्ञान चाहिए तो हमें यीशु चाहिए, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, यीशु ही काफी है। हालेलुया, यीशु ही काफी है। अगर हमें ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, यीशु ही
बुद्धि और समस्त ज्ञान का भंडार है। हालेलुया। पद चार में पौलुस को चेतावनी देता है। क्या चेतावनी है? यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई तुम्हें लुभाने वाले तर्क द्वारा धोखे में न डाल दे। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं ताकि तुम लुभाने वाली बातों के चक्कर में तुम लोग ना पड़ जाओ, तो लुभाने वाले तर्क द्वारा धोखे में तुम्हें कोई न डाले। वो तर्क क्या थे उस समय में जो फिलोसोफर्स थे वो क्या करते थे? वो बड़े बड़े विचित्र बातें, ज्ञान की बातें करते थे और उनका मकसद क्या होता था? वो बहुत बड़े ग्रुप में बैठते थे, ठीक है, बहुत बड़े ग्रुप में बैठते थे और वो तर्क वितर्क करते थे, वाद विवाद करते थे किसी एक विशेष टॉपिक को लेकर, किसी विशेष ज्ञान को लेकर, और ऐसी बातें वो करते थे जो बेबुनियाद बातें हुआ कर, जिनका कोई बुनियाद नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, विचित्र बातें वो किया करते थे। और उस कहता है मैं तुम्हें सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं इसलिए कहता हूं कि कोई तुम्हें लुभाने वाले तर्क द्वारा धोखे में न डाल दे। लुभावनी, दुर्लभ, रहस्यमयी बातें जो उस वक्त फैली हुई थी, और उसके ध्यान से बचो। अगर ज्ञान चाहिए यीशु के पास आओ, अगर ज्ञान चाहिए यीशु के पास आओ, अगर बुद्धि चाहिए यीशु के पास आओ, क्योंकि वो ज्ञान का, बुद्धि का भंडार है। 5-7 जब हम पढ़ते हैं, यद्यपि मैं शरीर में अनुपस्थित हूं फिर भी आत्मा में तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे अनुशासित जीवन तथा मसीह में तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर आनंदित होता हूं। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो, दृढ़ता से जड़ पकड़ते रहो, उसमें बढ़ते रहो, जैसे तुम सिखाए गए थे वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। वो कहता है हालांकि मैं शारीरिक रीति से तुम्हारे पास में नहीं हूं, लेकिन मैं आत्मा में तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। एक गहरी चिंता को ये दिखाता है कि पौलुस कितनी चिंता है इन कलीसियाओं की, इन लोगों के जिनको उसने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन ये बोझ परमेश्वर ने जो उसके जीवन में डाला है, वो पौलुस के जीवन में इन लोगों के प्रति इस पवित्र चिंता को, अद्भुत चिंता को प्रकट करता है। कहता है मैं बंदी गृह में हूं, मैं शारीरिक रीति से तुम्हारे पास में नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे साथ में ही रहती है, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ ही जुड़ी हुई है, मैं आत्मिक रीति से मैं तुम्हारे साथ उपस्थित हूं। आत्मिक रीति से कैसे? प्रार्थनाओं के द्वारा। वो शारीरिक रीति उनके पास नहीं है, जब वो प्रार्थना करता है वैसे उसको ऐसा लगता है कि वो वहीं पर है, वो उनके साथ में ही है। ऐसी चिंता कभी हमारे अंदर होती है? हम शारीरिक रीति से तो हम लोगों के पास नहीं होते हैं, जहां पर हम नहीं हो भी नहीं सकते वक्त पर, लेकिन क्या आत्मा में आप उनके पास पहुंच जाते हैं? हालेलुया। ये प्रभु का अद्भुत नेटवर्क है। हम शारीरिक रीति से यहाँ पर नहीं जा सकते, हम आत्मिक रीति से वहां पर जा सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं आत्मा में तुम्हारे पास हूँ और मैं आनंदित होता हूँ तुम्हारे दृढ़ता को और तुम्हारे विश्वास को देखकर, तुम्हारे अनुशासित जीवन को देखकर मुझे खुशी होती है। वो उनको डांट भी रहा है, लेकिन फिर बीच बीच में उनको ये भी दिखाता है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, प्रोत्साहित भी उनको करता है। वो हमें सिखाता है कि मसीह में चलते रहो, मसीह में जैसे तुमने उसको ग्रहण किया था वैसे ही चलते रहो। कैसे ग्रहण किया था? विश्वास के द्वारा। कैसे ग्रहण किया था? विश्वास के द्वारा। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, हमने विश्वास किया अनुग्रह के कारण, और विश्वास के द्वारा हमने मसीह को ग्रहण किया। वैसे ही विश्वास के द्वारा तुम उसमें चलते रहो। हालेलुया। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मसीह को जैसे तुमने ग्रहण किया सिर्फ उसमें वैसे चलते रहो, सिर्फ उसमें वैसे ही बढ़ते रहो। मसीह को कैसे ग्रहण किया था हमें? नम्रता के साथ में। एक हमने ये जाना कि मैं पापी हूं और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है और यीशु मेरा उद्धार करता है। इसी विश्वास के साथ यीशु में चलते रहो, मसीह में चलते रहो। हालेलुया। और आगे क्या कहता है? उसमें चलते रहो, साथ में दृढ़ता से जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते हुए जैसे तुम सिखाए गए थे वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर
अत्यंत धन्यवाद करते रहो। दूसरी बात जो यहाँ पर है, दृढ़ता से जड़ पकड़ते जाओ। मसीह में दृढ़ता से मजबूती के साथ जड़ पकड़ते जाओ। जड़ हम देखते हैं, जड़ जो है गहराई में उतरती, किसी पेड़ की जड़ जो होती है वो क्या करती है, गहराई में उतरती है, और जितनी गहराई में वो उतरती है उतना ही वो पेड़ मजबूत होता है। लेकिन सिर्फ जड़ ही गहराई में नहीं जाती, ऊपर से वो पेड़ भी ऊंचाई में जाता है। हालेलुया, मसीह में दृढ़ता से तुम जड़ पकड़ते जाओ, यानी कि मसीह की गहराई में हमें उतरने की जरूरत है। हमारे लिए मसीह काफी है, किसी और चीज की ओर ध्यान मत दो, मसीह में चलते रहो और मसीह में दृढ़ता के साथ जड़ पकड़ते जाओ, उसकी गहराई में उतर जाओ। कैसे उतरेंगे उसकी गहराई में, कैसे उतरेंगे? विश्वास, अच्छी बात है, विश्वास करना है, प्रार्थना कीजिए, व्यक्तिगत एक संबंध उसके साथ स्थापित कीजिए, वचन को पढ़िए, वचन को पढ़ना ना मत छोड़िए। हम होम ग्रुप में मिलते हैं ताकि हम मसीह में दृढ़ता के साथ जड़ पकड़ते जाएं, उसके वचन के द्वारा उसे जान पाए। हम संडे को मिलते हैं ताकि उसकी आराधना करें, वचन सीखें, उसकी गहराई में, मसीह की गहराई में उतरते चले जाएं। यूथ मीटिंग में जितने नौजवान आते हैं इसलिए की जाती है ताकि हम मसीह के वचन में गहराई से, प्रभु के अंदर गहराई से हम उतर जाएं। हालेलुया, जितने हम प्रभु की गहराई में उतरेंगे, जितने हम प्रभु के अंदर समा जाएंगे, जितने हम प्रभु के वचन की गहराई में जाएंगे उतने ही हम मजबूत होंगे। हालेलुया, उतने ही हम मजबूत होंगे। इस संसार के आने वाले, अंदर आने वाले जो आधिया है वो हमें गिरा नहीं पाएंगे, हमें हिला नहीं पाएंगे। हम कई बार गिर जाते हैं। ये दिखाता है कि हम मसीह में मजबूत नहीं है। गिर जाते हैं किसी की बातों के कारण, गिर जाते हैं अपने कठिन हालातों के कारण, गिर जाते हैं पाप के कारण, गिर जाते हैं और भी बहुत सारी चीजों के कारण। लेकिन जब हम प्रभु में मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं, मजबूती से प्रभु की गहराई में उतरते हैं, हम मजबूत होते जाते हैं। हालेलुया, और हम ऊपर उठते जाते हैं, प्रभु हमें उठाता है, हमें गहराई में जड़ पकड़ते जाना है। और क्या कहता है, मसीह में बढ़ते रहो। 2-7 क्या बोला मैंने बताया था ना, जैसे हम गहराई में उतरते हैं वैसे ही हम बढ़ते भी हैं मसीह में। यहां पर बोलते हैं कि मसीह, अपने आप को मसीह में स्थापित करो, बो अपने आप को मसीह में बनाओ, अपने आप को मसीह में स्थापित करो, मसीह में बढ़ते रहो। हालेलुया, जब गहराई में जाएंगे तभी तो ऊपर बढ़ पाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग? जब हमारी जड़ें मसीह में गहराई में जाएंगी तभी तो हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। जैसे पेड़ सिर्फ नीचे नहीं बढ़ता, वो ऊपर की तरफ भी जाता है, वही आत्मिक जीवन के लिए वो हमें सिखाना चाहता है। 8 हम पढ़ते हैं, सावधान रहो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में न डाले, जो मनुष्य की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। दुनियावी ज्ञान की भरमारी हम यहाँ पर देख रहे हैं, किस प्रकार वैसा ज्ञान वहां पर दिया जा रहा था जिसका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, जिसका आत्मिक जिंदगी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसी बातों को वहां पर फैलाया जा रहा था। धर्मी बनते जाओ, ज्ञान में बढ़ते जाओ, ऐसी ऐसी विचित्र बातें वहां पर की जा रही थी। पौलुस उनको बोलता है, वो ज्ञान जो है वो ईश्वर से रिलेटेड संबंधित ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य की परंपरा, जो परंपरा से उसने पाया है वो ज्ञान है। सावधान रहो कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और वेद की बातों के द्वारा भ्रम में न डाले, जो मनुष्य की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। जो उस वक्त फिलोसोफर्स ज्ञान का बखान करते थे, तर्क वितर्क करते उसके विषय में बात हो रही है, और ये सिचुएशन, ये हालत आज भी है। कुछ अजीब बातों, कुछ अद्भुत बातें, ऐसी बातें जो सुनने में अच्छी लगती, कानों को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमें पहचानना है इस ज्ञान को कि ये सही है या नहीं। हमें प्रभु के वचन में देखने की जरूरत है, क्या ये ज्ञान मसीह के अनुसार है? अगर प्रभु के अनुसार नहीं है,
बाइबल से बाहर का ज्ञान है तो उससे भी बचने की जरूरत है। आजकल बहुत सारे ज्ञानी संसार में फैले हुए हैं, कुछ तो जेल में भी है इस वक्त ज्ञानी, है ना। बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान लोगों को देते थे, बढ़िया बढ़िया ज्ञान, वो लाखों की भीड़ उनके पास में आती थी, सुनते थे बड़े ध्यान से, लेकिन अभी वो जेल में है, लाखों करोड़ों के फॉलोअर्स। क्या सुन रहे हैं हम? हमें ध्यान देना है, हमें बचने की जरूरत, बचना है इस ज्ञान से। ये भी हो सकता है कि हम खुद की सामर्थ्य पवित्रता को प्राप्त करना चाहते हो, संभव नहीं है, खुद की सामर्थ्य हम पवित्र होना चाहते हो। कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं कि मुझे उपवास करने की जरूरत है, मैं फास्टिंग करूंगा तो मैं पवित्र होऊंगा। पवित्र तो प्रभु ने आपको कर दिया है, आपकी सामर्थ्य नहीं हुआ, प्रभु के बलिदान से हुआ है उनका। पवित्रता में अगर हमें बढ़ना है, प्रभु के नजदीक आने की जरूरत है, यीशु को प्राप्त करने की जरूरत है, कुछ और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ही काफी है। और वर्तमान में जो अलग ज्ञान जो बहुत से लोग लेके चलते हैं वो ये है, धागे ताबीज जो आजकल चल रहे हैं, चर्च में भी आते हैं लेकिन वो दिखाई देते हैं क्योंकि उनको किसी ने ज्ञान दिया था, ठीक है वहां पर जा रहे हो लेकिन ये भी रखो, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, उधर की सामर्थ्य इधर की सामर्थ्य डबल हो गई ना, पहनो, पहनते हैं बच्चों को पहनाते हैं शुरुआत में, जैसे मैंने कहा काला टीका लगाते हैं, एक इधर हो गया एक पैर के नीचे हो गया, डर लगता है ना कहीं नजर ना लग जाए, टीका लगाते हैं ऐसा लग, चर्च में भी आते टीका लगाते हैं, प्रभु की सामर्थ्य कम लग रही है आपको। और क्या करते हैं, जड़ी बूटियों में विश्वास, मतलब जड़ी बूटी अभी झारखंड और उड़ीसा की साइड में जड़ी बूटी पता किसको कहा जाता है, तांत्रिक एक पुड़िया बना के देता है उसको बोलते हैं जड़ी बूटी, कि तुम्हें कुछ कष्ट है एक जड़ी बूटी बना के देंगे तुम्हें ले जाओ, उसको जड़ी बूटी बोलते, होता है वो तांत्रिक विद्या के द्वारा किया हुआ काम। ये मेरे काफी देर बाद मेरे को समझ में आया जब मेरी वाइफ उड़ीसा से, उसने मुझे बताया, और भी कई लोगों से मुझे सुनने को मिला। एक बार तो एक भाई और उनकी वाइफ संडे को चर्च नहीं आए, मैंने पूछा कि कहाँ चले गए थे आप संडे को भी नहीं आए, बोले पास्टर ने बुलाया था वहां पर चले गए। अच्छा क्या करने बुलाया था, वो जड़ी बूटी देते। किस प्रकार के ज्ञान के जंगल में हम फंस रहे हैं, हमें बचने की जरूरत है, हमें देखना है जो ज्ञान हमें किसी के द्वारा दिया जा रहा है या जो हम सुन रहे हैं, जो जो हम चल रहे हैं, क्या ये मसीह के अनुसार है, क्या ये प्रभु के वचन के अनुसार है। और YouTube के द्वारा बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं, बहुत सारा ज्ञान बांटा जाता है जो लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनते रहते हैं उसको, बहुत अच्छा लगता है बातें सुन के। उनके ज्ञान की बुनियाद को देखिए, उनके ज्ञान के आधार को देखिए, वो क्या ज्ञान देते हैं, वो सारी चीजों को मिक्स करके वो लोगों को ज्ञान देते हैं। कुछ लोग विश्वास में आने के बाद भी जो चीजें उन्हें परंपरागत मिली थी, जो रीति रिवाज उन्हें परंपरागत मिले थे, जो उनके परंपरा में था, जो उनके उनके दादा परदादा करते आए थे, उसको वो करते जाते हैं जबकि बाइबल उस बात का विरोध करती कि नहीं करना है। काफी सारी बातें हैं इस प्रकार की, परंपरागत मिली हुई बातें, विधि विधान, रीति रिवाज करते जाते हैं। जब उनको बात को बोला जाता है कि ये तो गलत है, मैं तो बैठा ही तो था, मैंने कुछ नहीं किया, बैठा ही तो था, करना पड़ता है, अब क्या करें, ये लोग बुरा मान गए तो करना पड़ता है, मेरे दादा परदादा भी करते आए थे, मैं भी करता हूं, हाँ प्रभु में है लेकिन भैया ये तो करना पड़ेगा ना। वो बातें भी होती हैं इन चीजों में जो बाइबल मना करती है। एक हमारे पास एक फोन आया और एक आंटी ने उस फोन को किया था, वो बोली बेटा जल्दी आ जा, बहुत जल्द अर्जेंट काम है। मैं बोला कि क्या बात है, बोले मेरी बेटी को दुष्टात्मा ने पकड़ा हुआ है। हम लोग चले गए, हम गए वहां पर और उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उसको ठीक भी किया, उसको छुटकारा मिला, वो अपना ठीक ठाक हो गई और एक संडे को चर्च आई, दूसरे संडे को चर्च आई, तीसरे संडे नहीं आई क्योंकि तीसरे संडे को उनका कोई पारंपरिक त्योहार था जो उनको सेलिब्रेट करना था। मैं गया कि क्या हुआ, आप लोग आ क्यों नहीं रहे हो, देखिए प्रभु का काम देखा कि नहीं देखा जिंदगी में, देखा है कलीसिया में भी आए लेकिन अभी एक त्योहार
जो आज्ञा जो परंपरागत रीति से वह मनाते आए थे। मैंने उनको बोला कि ये चीज तो सही नहीं है, प्रभु का वचन इसे करने के लिए मना करता है। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया, भैया करते आए हैं, करना तो पड़ेगा, चर्च भी आएंगे हम। प्रभु में आने के बाद हमें उन परंपराओं को भी ध्यान से देखना है, उन कार्यों को जो हम करते आए क्या वो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके भ्रम में पड़े रहें और हम प्रभु से दूर भी हो सकते हैं उन सब चीजों के कारण। विश्वास के साथ समझौता परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। पौलुस इस बात को इस प्रकार बोलता है, इस प्रकार जब हम वचनों में भी हम देखते हैं, इस प्रकार के जीवन को जीना, जीने का मतलब है कि आपने प्रभु को जाना ही नहीं है, यीशु मसीह को आपने जाना ही नहीं है, यीशु के साथ में आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर हमारा जीवन इस प्रकार दो तरह से दो तरफा जीवन हम अगर जी रहे हैं तो 9 और 10 में, क्योंकि उसमें परमेश्वरत्व की समस्त परिपूर्णता सदैव वास करती है। किसमें? यीशु में, और तुम उसी में मसीह में। किसमें? उसी में तुम परिपूर्ण किए गए हो। वही समस्त प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, वो अधिकारी है, वो शिरोमणि है। यीशु ही संपूर्ण है, उसके साथ हमारा संबंध ही काफी है। हमें अन्य दर्शनों की, लुभाने वाली बातों की, अट्रैक्ट करने वाले ज्ञान की, कानों को सुनने वाले अच्छी लगने वाले बातों की जरूरत हमें नहीं है। यीशु मसीह संपूर्ण है, यीशु मसीह ही संपूर्ण है, उसके साथ हमारा संबंध ही काफी है, उसके साथ हमारा रिश्ता है जो है वो काफी है। हालेलुया, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता ही काफी है क्योंकि वो संपूर्ण है। परमेश्वर तो के जो उसके अंदर, क्योंकि उसमें परमेश्वर तो की समस्त परिपूर्णता सदैव वास करती है। हालेलुया, हमारे साथ और उसी में तुम परिपूर्ण किए गए हैं, ये परमेश्वर का हमारे साथ में एक रिश्ते को दिखाता है। हालेलुया, क्योंकि हम उसमें संपूर्ण किए गए हैं, उसमें हमें एक मकसद दिया गया है। हम उद्देश्य ही भटके हुए पापी उसके क्रोध के शिकार होने वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इस संसार के अंदर भेजकर, हालेलुया, हमारे उन सारे उद्देश्य जिंदगी को एक उद्देश्य दे दिया, एक मकसद दे दिया, क्योंकि हम उसमें परिपूर्ण किए गए हैं। हालेलुया, उसमें हम परिपूर्ण, हमें एक मकसद दिया गया है, एक उद्देश्य दिया गया है, हम उसके साथ एक संबंध में है, एक रिश्ते में है। यीशु ही संपूर्ण है, उसके साथ हमारा संबंध ही काफी है। पद 11 और 12 में आत्मिक खतने के माध्यम से अपने लोगों में यीशु का कार्य बपतिस्मे के द्वारा उसे चित्रित किया गया है। पुराने नियम के लोग जो थे वो खतने के विषय में बात करते थे। पुराने नियम में जो यहूदी लोग थे, जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए जो लोग थे, जो जाति थी, परमेश्वर के और उनके बीच में रिश्ते का एक चिन्ह होता था जिसे खतना कहते थे। शारीरिक रीति से बाहरी प्रकटावा था जो मसीह परमेश्वर के साथ में उनके रिश्ते को दिखाता था। खतना करने की वाचा परमेश्वर के द्वारा यहूदियों के साथ बांधी गई थी और अपने बच्चे के जन्म के 8वें दिन वो अपने बच्चों का खतना करते थे ताकि वो ये उसके द्वारा उस वाचा को पूरा कर सके कि हम परमेश्वर के साथ एक वाचा में हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, हम परमेश्वर के साथ एक संबंध में हैं। पुराने नियम में ये नियम था खतना कराने के लिए, लेकिन पौलुस यहाँ पर कहता है कि आप उस खतने की जो जगह है वो बपतिस्मा ने, बपतिस्मे ने ले ली है, अब हमें खतना कराने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, उसी में तुम्हारा भी ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं वरन मसीह के अनुसार खतना है, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और बपतिस्मा में तुम उसके साथ गाड़े गए, उसी के साथ जिलाए भी गए। यह उस विश्वास के द्वारा हुआ जो परमेश्वर के सामर्थ्य पर है जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। मसीह में तुम्हारा आत्मिक खतना हो चुका है। जो लोग तुम्हें ये कहते हैं कि तुम्हें खतना कराने की जरूरत है, मसीह को, तुम्हें मसीह को प्राप्त करना है, मसीह के पास आना है, उद्धार पाना है, मुक्ति पानी है, तो खतना करवाओ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह देखो यहूदियों में से आया है। लेकिन पौलुस कहता है
मसीह में तुम्हारा आत्मिक खतना हो चुका है। जब अब हम जब विश्वास करते हैं तो खतना करने की जरूरत नहीं। पुराने नियम में जब अन्य जाति के लोग भी यहूदी व्यवस्था को मानते थे, उन्हें खतना कराने की जरूरत होती थी, लेकिन नए नियम प्रभु के आने के बाद मसीह ने उस सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया, खतने की जरूरत नहीं है। मसीह के साथ, उसके साथ तुम गाड़े गए हो। जब यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ और जब वो दफनाया गया तो सिर्फ यीशु ही दफन नहीं हुआ, उसके साथ में तुम्हारा पुराना जीवन भी दफन हो गया है, क्योंकि तुमने उस पर विश्वास किया है। तुम्हारा पुराना मनुष्य तो अभी दफन हो गया है, तुम्हारा पुराना जीवन गाड़ दिया गया है मसीह के साथ में। आगे कहता है उसी के साथ तुम जिलाए भी गए हो। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए। हालेलुया। उसी के साथ तुम जिलाए भी गए हो। जब उसे उठाया गया, जब उसने नया जीवन पाया, जब उसका पुनरुत्थान हुआ, तब सिर्फ यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ, तो यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे जीवन का भी पुनरुत्थान हुआ है। तुम भी अपनी मरी हुई आत्मा, जो अपनी आत्मिक रीति से तुम्हारी जो मृत्यु थी, तुम जो आत्मिक रीति से मरे हुए थे, तुम जो अपनी आत्मिक अवस्था में मरे हुए थे, यीशु के जिलाए जाने के द्वारा, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा तुम भी जिलाए गए हो, तुम्हारा भी पुनरुत्थान हुआ है। इसलिए तुम्हें कतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ही काफी है। हालेलुया। 13-15 में पढ़े। अब यहां पर पौलुस क्रूस के ऊपर प्रभु के कार्य के माध्यम से वहां पर अपने लोगों के बीच में क्या कार्य किया, उसका और भी वर्णन करता है। क्या लिखा हुआ है 13 में, जब तुम अपने अपराधों और खतना रहित दशा में मृतक थे, जब तुम पापों में थे और खतना रहित दशा में मृतक थे, मरे हुए थे, तब उसने मसीह के साथ तुम्हें भी जीवित किया। उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से चढ़कर हमारे सामने से हटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य को, यीशु मसीह के कार्य को अपने लोगों के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है, उसका वर्णन पौलुस कहता है तुम मरे हुए थे, कतला रहित दशा में थे, अपराधों में थे, लेकिन परमेश्वर ने मसीह के साथ तुम्हें जीवित कर दिया है। अब तुम जीवित हो, आत्मिक रीति से तुम लोग जीवित हो चुके हो। उसने हमारे सब अपराधों को, उसने तुम्हारे सब जितने भी पाप थे उन सबको क्षमा कर दिया है, सब पापों को माफ कर दिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसे कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लहू के समान लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के नाई श्वेत बना दूंगा। अगर हम में से बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे इस पाप को तो माफ कर देगा क्योंकि ये छोटा है, प्रभु मेरे इस पाप को माफ नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों के लिए मरा है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करता है, हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है। पुराने नियम की विधियां और अभिलेख जिनके अनुसार हम अपराधी थे, जिनके अनुसार हम गुनहगार थे, जिनके अनुसार हमारे ऊपर पथरवाह होना चाहिए था, मार दिया जाना चाहिए था, उन सबको यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर टंगा दिया है। हालेलुया। उन सबको जो हमें दोषी ठहराते थे, उन सब बातों को यीशु मसीह ने क्रूस पर टंगा दिया है। हालेलुया। जब हम कई बार हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आती है, कई बहनों से भी भाइयों से भी मिलता हूँ, तब वो ऐसे बोलते हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ये, मेरे जीवन में पहले ऐसा था, विश्वास में चल रहे हैं, पहले ऐसे था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो गिल्टी, आत्मग्लानी महसूस करते हैं, फील करते हैं। जब ऐसा शैतान मन में डाले तब उसको बोलना है, मेरे सारे पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पे खत्म कर दिया है। जब ऐसी बातें आपको परेशान करें, अपने आप को कहना, तेरे सारे पापों को जो तूने किए थे उन सबको यीशु मसीह ने क्रूस पर, उनकी सजा को क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है, कीलों से जड़कर हमारे सामने से उसे हटा दिया गया है। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त्र कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया। यहां पर किन की बात कर रहा है पौलुस? ये वो है जिनके
जिनकी अधीनता में, जिनकी गुलामी में हम कभी जिया करते थे। यहां पर उन दुष्ट आत्माओं की बातें हो रही हैं। दुष्ट आत्माओं का डर भी काफी लोगों को सताता था, इसलिए ये आत्माओं की पूजा किया करते थे। पौलुस कह रहा है यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उन दुष्ट आत्माओं को, उन प्रधानों को, उन अधिकारियों को क्रूस के ऊपर क्या कर दिया है, उनका तमाशा बना दिया है, उनको खुले आंखों का तमाशा बना दिया, उनको बचा उड़ाया है, उनको खत्म कर दिया है। अब वो हार चुकी है, वो दुष्ट आत्माएं, वो अंधकार की सामर्थ्य जिनकी अधीनता में हम थे, जिनके द्वारा हम सताए जाते थे, जिनके द्वारा परेशान किए जाते थे, अब वो मसीह ने क्रूस के ऊपर उनका तमाशा बनाया है, उनका मजाक बनाया है, खुल्लम खुल्ला उनको दृष्ट कर दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा इन कार्यों को हमारे जीवनों में किया गया है। हालेलुया। इसलिए यीशु का बलिदान हमारे लिए काफी है। इसलिए खाने पीने पर नए चांद के दिन, नए चांद या सप्त के दिन के विषय में कोई तुम्हारा नए गमन नहीं। तोरा की शिक्षा के अनुसार खाने पीने की, तुम ये खाना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम इस दिन ये मत करो, तुम इस दिन वो मत करो, ये सारी व्यवस्था है। इन चीजों के विषय में कोई तुम्हारे नए न बने। अब इन सब चीजों की गुलामी में तुम्हें नहीं रहना है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है, मूल तत्व तो मसीह है। हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार अगर तुम्हें कोई करने के लिए कहता, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, या परंपराओं के अनुसार जो तुम्हें चीजें मिली है वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ छाया मात्र है, लेकिन मूल तत्व तो यीशु मसीह।